धमकी दोगे नचवा दूंगा चाचा तुमको, डायरेक्टर वैक्टर से डरता नहीं हूँ। पहली बात तो सुनो, पहली बात तो सुनो, अस्पताल में गुटखा खा के आना नहीं। अरे तुम निवेदन नहीं करते हो, तुम लोग डंडा करते हो, मालूम है कितना तुम निवेदन करते हो। तुम्हारा निवेदन करने का तरीका मैंने देखा। चलो अभी कलेक्टर साहब के पास चलते हैं, ये तुम लोग 2000 रुपए लेके बिकते हो ना, तो हमसे फालतू बातों की मत किया। डॉक्टर साहब काफी गुस्से में हैं, गुस्सा इतना कि वो होमगार्ड के जवान को हड़का रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कलेक्टर वलेक्टर किसी से नहीं डरते हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि कौन 2000 रुपए में बिक जाता है। अरे तुम निवेदन नहीं करते हो, तुम लोग डंडा करते हो, हमें मालूम है कितना तुम निवेदन करते हो। तुम्हारा निवेदन करने का तरीका मैंने देखा। चलो अभी कलेक्टर साहब के पास चलते हैं, ये तुम लोग 2000 रुपए लेके बिकते हो ना, तो हमसे फालतू बातों की मत किया। हमने उसको खरीद लिया, तुमने तुम खरीद तुम बिके हो आदमी, खरीदा नहीं बिल्कुल चलो आ भैया, चल बाहर निकल, उम्र का बहुत लिहाज कर लिया मैंने, सर जी कर दीजिए। अरे भाग यार तू भी भाग। नहीं नहीं सर, ये दबा बढ़ा हुआ यही वाला दबा दे क्या भैया, मैं नहीं करना, इनको ऑपरेशन हुआ है। यहाँ औकात में आया करो अपनी, तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारी औकात है उतनी आया करो। बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, ज्यादा बाहर निकल जाओ, तो मैं आपसे बाहर चले जाओ, बाहर से बाहर निकल, बाहर निकल, निकले जाओ, चले जाओ, आप भूल गए तुम लोग अपनी औकात। मैंने नहीं बोला, आप चले जाओ, बात खत्म हो गई। और फिर होमगार्ड का जवान मायूस होकर बाहर निकल जाता है। दरअसल ये सब हुआ छतरपुर के जिला अस्पताल में। बताया जा रहा है कि एक होमगार्ड सैनिक सड़क दुर्घटना में घायल शिक्षक नीलेश दीक्षित के इलाज के लिए अस्पताल गया हुआ था और उसने डॉक्टर साहब से इलाज करने की सिफारिश कर दी। फिर क्या था, डॉक्टर साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो होमगार्ड की औकात बताने लगे। हालांकि जब इस मसले पर CMHO छतरपुर से बात की गई तो उन्होंने इसे छोटी घटना बता दी और डॉक्टर को समझाने का भरोसा देने लगे। देखा तो उसमें ऐसा, अभी होमगार्ड का उनका बहस हो रहा है और भी सामान तो क्या है, जब काम का बर्डन होता है होमगार्ड वाले को भी काम का बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, डॉक्टरों को भी रहता है, तो ये सामान था ऑफिस में सरकारी कर्मचारियों का अधिकारियों का आपस में होता रहता है बहस, इसमें इतना ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। बाकी मैं उनसे डॉक्टर अनंत शुक्ला से पर्सनली बात करूँगा कि भाई आप थोड़ा सा धैर्य रखा करें और अपने को संयम बरता करें, ठीक है। तो इस तरह की हमारे यहाँ हो जाती है, डॉक्टर बहुत ज्यादा ओवर बर्न रहते, बहस हो जाती है और आपस में। आपने वीडियो देखा है, उसमें कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है ना, बात कर रहे हैं तो उनको हम समझाएंगे, बात कर रहे हैं और ये चूंकि वो शासकीय कर्मचारियों के बीच में काम को लेकर बर्डन, वो भी परेशान रहते हैं, होमगार्ड वाले पुलिस वाले भी, उन पर भी ज़्यादा काम का लोड रहता है, डॉक्टरों पर भी रहता है, तो इस तरह से वो होती रहती है आपस में, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाती, बहस हो जाती, तो अब उनको दोनों उनको समझाएंगे डॉक्टर अनंत शुक्ला को कि भाई इस तरह से व्यवहार ना। लेकिन अगर जिला अस्पताल में डॉक्टर पदस्थ डॉक्टरों की हम बात करें तो अरविंद्र शुक्ला हमेशा विवादों में खिले नजर आते हैं। अब ये तो विवादों में तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत ज्यादा वो काम करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी से वो काम करते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।